So hi guys, this is Mugina back with the another session of thing you pointing out the differences in the most important question of IBO 05 and textbook page number 4, which is the port system. So Dredging Corporation of India. Dredging Corporation of India, ye topic title mein enter karne se pehle main dredging ka meaning bata deti hu. For example, main agar ek sentence kehti hu aapse ye ki the boy is dredging the river. Kya? The boy is dredging the river. To uska matlab kya hai? Matlab ki ek boy river ko clean kar raha hai. Yani ki jo kuch bhi impurities ho wo sab kuch nikal raha hai. Agar Dredging Corporation of India ka matlab kya hai? Ye hai ki DCI, Dredging Corporation of India, established kyun hua tha? Ki matlab ship जो पोर्ट में रहते हैं, पोर्ट मतलब जो एरिया जहाँ शिप रहते हैं उसकी क्लीनिंग फैसिलिटी के लिए DCI यानी कि Dredging Corporation of India एस्टैब्लिश हुआ था. और ड्रेजिंग सर्विसेज मेनली 7 एरियाज में दिए जाएंगे. ड्रेजिंग यानी कि क्लीनिंग फैसिलिटी 7 ट्रेलर सेक्शन को. फर्स्ट ये था कि पाइपलाइंस की, पाइपलाइंस में जो कुछ भी इम्प्योरिटीज है उसके, और एक ओशन के अंदर होगा, और 3 इनलैंड रिजेस एंड द एलीड क्राफ्ट यानी कि क्राफ्ट और इनलैंड रिजेस मतलब वन इनर पार्ट. फर्स्ट टू मेनली 7 क्राइटेरिया है. फर्स्ट टू उसमें इन सेक्शन ड्रेजर्स होगा, और सेकंड ओशन में होगा, और थर्ड वन इनलैंड ड्रेजर्स में होगा, इनलैंड ड्रेजर्स एंड द एलीड क्राफ्ट. तो 8 प्लान पीरियड के अनुसार, और अगर 8 प्लान के बारे में अगर हम बताते हैं तो ये ड्रेजिंग कॉरपोरेशन के 2 पीरियड से थे. 2 पीरियड मतलब यानी कि 2 पीरियड नहीं, बहुत ज़्यादा पीरियड थे. यहाँ इस टेक्स्ट बुक में, इग्नो की टेक्स्ट बुक में मेंशन किया गया है 8 प्लान पीरियड के बारे में, और दूसरा है 9th प्लान पीरियड के बारे में. फर्स्ट 8th प्लान और दूसरा है 9th प्लान पीरियड के बारे में. 8th प्लान पीरियड में उन्होंने यानी कि DCI कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि 131 मिलियन क्यूबिक मीटर यानी कि 131 मिलियन क्यूबिक मीटर उतनी डिस्टेंस की सभी क्लीनलीनेस वो करेंगे. लेकिन प्रैक्टिकल में आया तो कितना इन्होंने क्लीन किया, मतलब सिर्फ 46 मिलियन क्यूबिक मीटर्स. 8 प्लान पीरियड में कितना था, 131 मिलियन क्यूबिक मीटर्स उन्होंने कहा था इतनी जगह वो क्लीन करेंगे, लेकिन एक्चुअली उतना नहीं हुआ था. इंस्टेंट सिर्फ 46 मिलियन क्यूबिक मीटर्स का क्लीनलीनेस यानी कि ड्रेजिंग हुआ था. ड्रेजिंग इज अनदर वर्ड फॉर क्लीनिंग द पोर्ट एरियाज. आप लिटरली कह सकते हैं अगर ये पोर्ट सब हम क्लीन करते हैं उसे हम मीनिंग कहते हैं ड्रेजिंग. सो उसके लिए गवर्नमेंट कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, मतलब सिर्फ 88.43 करोड़. तो उसके बाद से 8th प्लान पीरियड फेलियर था, क्योंकि 131 मिलियन क्यूबिक मीटर क्या है लेकिन कितना हुआ था 46. तो उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, 9th प्लान इंट्रोड्यूस में उन्होंने ये अमाउंट मेजरमेंट किया था. लेकिन उससे पहले बहुत अच्छी सी निर्णय लिया. पहली निर्णय ये था कि अगर जो कोई भी पोर्ट्स यानी 15 वर्ष यानी कि 25 वर्ष से भी ज़्यादा वो ओल्ड हो चुके हैं यानी कि पुराना हो चुके हैं, तो उनका रिप्लेसमेंट करना यानी कि उसको बदलाव लाना, उसकी जगह दूसरी नया वाला ड्रेजिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना. ऑगमेंटेशन ऑफ द ड्रेजिंग कैपेसिटी, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट. और हम सभी को पता है कि हमारी गवर्नमेंट सब इंट्रोड्यूस करेंगी, लेकिन जब उसकी मेंटेनेंस आती है तो हर बार एक फेलियर हो जाते हैं. तो सिमिलरली उन्होंने क्या किया, पहले रिप्लेसमेंट करेंगे पुराने वाले ड्रेजिंग को, और दूसरा उन्होंने कहा कि उन्होंने मतलब ड्रेजिंग कॉरपोरेशन था DCI, सो ऑगमेंटेशन ऑफ द ड्रेजिंग कैपेसिटीज टू मीट द मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट. ड्रेजिंग कैपेसिटी मतलब क्या, अगर मेंटेनेंस के लिए कुछ थोड़ी बहुत चीज़ होगी तो वो भी वो प्रोवाइड करेंगे 9th प्लान प्रपोजल के अनुसार. और थर्ड वन सबसे इम्पॉर्टेंट, शिप प्रिपेयरिंग या कुछ इमर्जिंग नीड्स हो तो उसके लिए भी अमाउंट प्रोवाइड करेंगे. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, 8th प्लान में 131 मिलियन था, तो यहाँ 9th प्लान में कितना है, 534 मिलियन क्यूबिक मीटर. और उसके बाद कितना प्रैक्टिकल में हुआ, 142, और उसके बाद क्या हुआ, 142 से बढ़कर 392 हुआ, क्योंकि क्या वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे थे इसलिए. तो 9th प्लान में सबसे इम्पॉर्टेंट 3 पॉइंट है, एक थी कि
रिप्लेसमेंट ऑफ द डीजल ड्रेजर्स, यानी कि 15 वर्ष से भी पुराना हो तो उनको रिप्लेस करेंगे, और उसके बाद क्या है ड्रेजिंग कैपेसिटी मेंटेनेंस के लिए वो प्रोवाइड करेंगे, और तीसरा ये कि शिप रिपेयरिंग एक्टिविटीज़ के लिए कुछ भी हेल्प चाहिए तो वो प्रोवाइड करेंगे, और 534 मिलियन क्यूबिक मीटर्स के क्लिनलीनेस की गारंटी दी थी, लेकिन एक्चुअली बहुत पहले उन्होंने किया 142, उसके बाद कॉम्प्रोमाइजिंग यानी कि बहुत गड़बड़ हो गया, और फाइनली दे डिड व्हाट 392। सो गाइस दिस वाज अबाउट द ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये दो बार रिपीट किया गया है 10 वर्ष में सिर्फ दो बार रिपीट किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन जस्ट चेक इट आउट, इफ कम्स यू कैन राइट इट आउट, सो प्लीज डू द सब्सक्राइब इफ यू फाइंड वर्थ इट, थैंक यू।